बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार श्री राम की शरण में है। वैसे तो प्रदेश के मुखिया कमलनाथ हनुमान भक्त हैं ही, पर राम को भी बड़े जोर से याद कर रहे हैं। वजह भी साफ है भाई, जब तक राम की जय जयकार नहीं करेंगे तब तक हनुमान भी कहाँ प्रसन्न होंगे। इसलिए अब तक जिस राम को सुप्रीम कोर्ट में काल्पनिक बताते रहे, उसके बड़े बड़े मंदिर बनाने में लगे हुए हैं। छिंदवाड़ा से थोड़ी दूरी पर सिमरिया में 101 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा तो बनवा ही चुके हैं। अब इंदौर के पास सनवदिया में राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो चुका है। 1 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस मंदिर में सरकार का अध्यात्म विभाग भी सहयोग कर रहा है। बीजेपी ने इस पर चुटकी ली है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह का कहना है कि बीजेपी को कांग्रेस के धार्मिक आयोजनों से कोई परेशानी नहीं है, पर ये सबको याद रखना चाहिए कि ये वही कांग्रेस है जो सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम को काल्पनिक बताती रही, जिसकी वजह से राम मंदिर का मामला इतना लंबा खींचा। अब जब वही हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आश्चर्य होता है। ताजा खबरों के लिए लॉग इन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें www.newslivemp.com www.newslivempcz.com।